हे गाइस व्हाट्सअप, मैं बताऊंगा आपको कि वर्जिन भानुप्रिया वर्थ वॉचिंग है भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूअर्स बोल रहे हैं कि मूवी घटिया है और अच्छी नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कहीं ना कहीं वर्थ वॉचिंग है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना। मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि मूवी में एक लड़की है भानुप्रिया नाम की, उसको अपनी वर्जिनिटी लूज़ करनी होती पर वो हर बार नाकाम हो जाती है। और एक टाइम पे जो ये औरत है ये उसको बता देती है कि तुमको ये सुख कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो उसके दिमाग में सब कुछ घूम जाता है और वो कहती है कि ऐसे कैसे मैं करके रहूँगी। फिर वो किस हद तक जाएगी वो आप इस मूवी में देख पाओगे। तो गाइस बात करते हैं इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा, प्लीज़ पूरी वीडियो को देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुरी बातों की, क्योंकि बुरी बातें बहुत ज़्यादा ही बुरी है। जैसे कि उर्वशी रोटेला को कास्ट कर लिया वर्जिन भानुप्रिया के लिए, मतलब ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उसको अगर तुमने बस चश्मा पहना दिया तो वो क्या अगली दिख जाएगी? अबे चश्मे में लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी दिखती है। और इतनी सुंदर होने के बाद भी वो अपनी वर्जिनिटी लूज़ करना चाहती पर नहीं कर पाती। तो मतलब यार जो अपने आप को लड़कियाँ हीरोइन समझती है और अपने आप को क्या पता क्या समझती है, वो लोग अगर उन लड़कियों ने मूवी देख ली तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनको तो तुम डिप्रेशन में डाल दोगे। कास्टिंग की बात कर ही रहे हैं तो एक्टिंग की भी बात कर लेते हैं। एक्टिंग परफॉर्मेंस में इन लोगों ने, सही बताऊं तो गौतम गुलाटी, उर्वशी रोटेला, इन लोगों को लेके एकदम मूवी को बेकार सा बना दिया, क्योंकि इन लोगों को सही में भी एक्टिंग नहीं आती। आपको ये आप मूवी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनको एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती। और वहीं इन्होंने कहीं ना कहीं जो टैलेंट है उसको वेस्ट कर दिया। जैसे कि अर्चना पूरन सिंह, ब्रिजेंद्र काला और आशुतोष सेमवाल, इन बंदों को इन्होंने वेस्ट कर दिया पूरा इस मूवी में लेके, मतलब टोटल वेस्ट ऑफ टैलेंट। और हाँ, जो लोग ये सोच के मूवी देखने वाले हैं कि मूवी में हमको हॉट सीन्स देखने को मिलेंगे और उर्वशी के हॉट सीन्स देखने को मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मूवी में, किस भी नहीं होगी। बस वल्गर भी कॉमेडी भी नहीं है इसके अंदर, वल्गर कॉमेडी भी नहीं है, क्योंकि इसमें है एक टॉपिक जो है इसका वो 18 प्लस टॉपिक है, इसलिए ये मूवी आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। बाकी मूवी के अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ मूवी आपको क्यों देखनी चाहिए। मूवी के अंदर आपको लड़कियों का एक डार्क ट्रूथ देखने को मिलेगा, मतलब लड़कियाँ क्या सोचती है लड़कों के बारे में और लड़कियाँ किस हद तक जा सकती है। वहीं लड़कों का भी आपको एक डार्क ट्रूथ देखने को मिलेगा, जैसे कि लड़के भी लड़कियों की लाइफ में क्या करते हैं और वो लड़के भी किस हद तक जा सकते हैं। तो ये दोनों आपको सच्चाई देखने को मिलेगी और वो भी इस बंदी के डायलॉग से आपको सब समझ में आ जाएगा, अगर आप मूवी थोड़े से ध्यान से देख रहे हो तो। और जैसे मैं मूवी को देखने गया था और आधा घंटा हुआ मूवी को और मतलब 15 मिनट में ही मैं समझ गया था कि क्या टट्टी मूवी देखने आ गया हूँ मैं, मतलब कुछ भी है ये मूवी, कुछ भी। पर जैसे जैसे मूवी बढ़ती गई आगे आगे तो समझ में आने लग गया कि डायरेक्टर हमको क्या मैसेज देना चाहता है और क्या दिखाना चाहता है। तो वही लोग जो उस मूवी को सोच के गए होंगे कि हमको मज़ा आएगा, पर उनको बाद में मतलब चुभने वाली है मूवी, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे सच है। तो गाइज यार ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि अगर आपके पास टाइम है कुछ देखने को नहीं है और आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट ये वन टाइम वॉच तो है यार। ये इसका टॉपिक भी अच्छा है और ये कहीं ना कहीं है अच्छी मूवी है। तो यार अगर आपने ये मूवी देख ली तो कमेंट करना आपको कैसी लगी, और अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लो। यार मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो यार और जैसे और यार एक मैं क्या बोल रहा था मैं।